आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा बिना ईस्ट के, बिना चीज़ के और बिना अवन के। ये बहुत ही डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा बनता है, आप उसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। पिज़्ज़ा डो के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। अब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बेकिंग सोडा थोड़ा कड़वा होता है, आप नहीं चाहते उसके लम्स आपके डो में आए। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, ये रूम टेम्परेचर दही है, और फिर से अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे ये जो डो है हमारा, इसके अंदर अब मैं डालूंगी पानी। आप ध्यान रखें पानी आप एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें, हमें इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी नरम ना हो, मीडियम कंसिस्टेंसी का अच्छा हम इसका डो बनाएंगे। तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक लगातार नीड करें। आप देखें इस पॉइंट पे ये थोड़ा स्टिकी है, बट जैसे जैसे आप इसे नीड करते जाएंगे ये अच्छा होता जाएगा और आपके हाथों से चिपकना भी बंद कर देगा। अब आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे गूंदा है, और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें ये अच्छा नरम है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं फ्लेवरलेस, और इसको अब मैं 1 मिनट तक और नीड करूंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पिज़्ज़ा बनाने का, बिकॉज क्रस्ट आपका अच्छा हो तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा आता है। तो आप देखें ये जो डो है हमारा बिल्कुल रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज आप नहीं चाहते जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखें तो जो हमारा डो है जो हमने पिज़्ज़ा का बनाया है वो बोल के साथ चिपक जाए। तो आप अच्छे से ग्रीस करके अब इसको रखें, और किसी गीले कपड़े के साथ या क्लिंग रैप से आप इसको 30 मिनट्स तक रेस्ट करने दीजिए। वाइट सॉस के लिए हम लेंगे बटर, ये मैं लो फ्लेम पर पका रही हूँ, इसी में हम इस पर डालेंगे मैदा। तो यस, चीज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाइट सॉस के साथ, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चीज़ नहीं है बिकॉज वाइट सॉस इस पिज़्ज़ा को देगी बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस टेस्ट। तो अब आप इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएं। आप देखिए इसका कलर हल्का डार्क हो चुका है। इस गिवन पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे दूध, ये ऑलरेडी बॉयल्ड दूध है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। आप ध्यान रखें मिल्क को आप 2 बैचेस में डालें और ठंडा दूध आप हमेशा डालें, कभी भी गर्म दूध नहीं डालें, वरना जो आपकी वाइट सॉस है उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अब आप अपना बाकी का भी जो दूध है वो इसमें डालें, और अब आप इसको 1 से 2 मिनट तक स्टर करें, और आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो सारे मैदा है ये इसमें घुलता जाएगा। आप देखिए ये परफेक्ट होता जा रहा है। इस गिवन पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी, जी हाँ पानी डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वाइट सॉस है हम नहीं चाहते इतनी थिक या गाढ़ी बने ताकि पिज़्ज़ा में हमें स्प्रेड करने में दिक्कत हो। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप इसमें पानी डालें, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप पानी को रिप्लेस कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ मिल्क के साथ। तो अब हम इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे लगातार हिलाते हुए जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप देखिए टेक्सचर इसका थिक होता जा रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप बहुत सारा नहीं डालें, और इसी के साथ इसमें जाएगा ओरेगनो। तो अब इसको अब हम फिर से मिलाएंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। आप देखिए ये व्हाइट सॉस हमारी बिल्कुल बन के रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी अब ये परफेक्ट है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। अब 30 मिनट बाद हम अपना पिज़्ज़ा डो चेक करेंगे। आप देखिए ये कितना परफेक्ट अब बन चुका है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छा नरम है, सॉफ्ट हो चुका है,
तभी बहुत ज़रूरी होता है आप इसको आधे घंटे तक रेस्ट करने को रखें। अब मैं इसको एक मिनट तक और नीट करूँगी। अब हम पिज़्ज़ा डो को डिवाइड करेंगे तीन बॉल्स में। ये तीन मीडियम साइज पिज़्ज़ा बनते हैं। अगर आपको ज़्यादा या कम बनाना हो तो आप इंग्रेडिएंट्स को उस हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा बनता है। बनाएं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें, वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देखिए, ये हमारे तीनों पिज़्ज़ा डो के बॉल्स रेडी हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसको अब हम रोल करेंगे। आप देखिए, मैंने ये इसको अच्छे से रोल कर लिया है। आप साइज देखिए, थिकनेस इतनी हो, हम ना तो ज़्यादा मोटा रखेंगे ना पतला। ये आप देखिए, मैं इस पैन पे पिज़्ज़ा पकाऊंगी तो जो पिज़्ज़ा का जो बेस है मैंने उस हिसाब से लिया है। अब हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। बटर आप कभी भी ना डालें, बिकॉज बटर डालने से जो पिज़्ज़ा का जो बेस है, जो क्रस्ट है, वो हार्ड हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे अपने पिज़्ज़ा बेस को और आप धीरे धीरे हल्के हाथ से साइड्स में इसको लेके जाएं। इसको मैं फोक से भी डॉक नहीं करूंगी बिकॉज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा। आप इसको अच्छे से स्प्रेड करें और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस। आप देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है क्योंकि हमने इसमें पानी भी डाला था। तो अब आप इसको भी अच्छे से स्प्रेड करें। मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी भी बनाई थी जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगे थे, वो भी हमने तवा पे बनाई थी। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर उसको चेक करें। तो वेजीज में मैं ले रही हूँ प्याज, ग्रीन कैप्सिकम और रेड बेल पेपर्स। आपके पास जो भी वेजीज हों, जो भी आपको पसंद है, आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो अब आप इसमें डालें ऑलिव्स भी। मेरे घर पे ऑलिव्स पड़े थे तो मैंने वो भी इसमें डाले हैं। इस पॉइंट पे अब मैं गैस की फ्लेम ऑन करूँगी। ध्यान रखें, अभी तक फ्लेम ऑन नहीं थी। तो अब हम ढक के इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक। तो आप देखें, 10 मिनट बाद मेरा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसका बेस भी चेक किया था, वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब हम इसमें डालेंगे ओरेगनो और रेड चिली फ्लेक्स। तो लीजिए, तैयार है आपका होममेड पिज़्ज़ा बिना चीज़ के, बिना ईस्ट के, और हमने इसे बनाया है पैन पे। आप इसको कट कर सकते हैं पिज़्ज़ा कटर से, बट मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के घर पर पिज़्ज़ा कटर नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है बनके, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसका अगर आप बेस भी देखें, वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो इस लॉकडाउन में आप इसको ज़रूर अपने घर पे बनाएं और एंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ।